बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी ऊर्जावान वचनों के लिए। और अब मैं आमंत्रित करूंगी जिनका हमें इंतजार है, जो कि जनक है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के। ऐसे हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी जिन्होंने अपनी बहनों के जीवन को संवारने का सोचा है। हम तालियों के साथ स्वागत करेंगे अपने लाडले भैया का, अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी का, और निवेदन आपसे अमृत वचनों के लिए। मेरी बहनों, आज पैसा तो डालूंगा, लेकिन पैसा डालने के पहले कुछ बात मुझे करनी है। एक बार मेरे साथ जोर से और प्रेम से बोलिए, भारत माता की। इतने जोर से कि दिल्ली तक बहनों की ताकत का एहसास हो जाए, भोपाल तक एहसास हो जाए। भारत माता की, नर्मदा मैया की, मेरी लाडली बहनों की। मंच पर विराजमान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, हमारी सह प्रभारी वरिष्ठ नेता, हमारी ताई श्रीमती पंकजा मुंडे जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता पीडब्ल्यूडी मंत्री पंडित गोपाल भार्गव जी, यशस्वी लोकप्रिय और कर्मठ सांसद भाई राकेश सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता पाटन के विधायक आदरणीय श्री अजय बिश्नोई जी, बहन नंदिनी मराबी जी, भाई अशोक रोहाणी जी, सुशील तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रभात साहू जी, डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, विनोद जी, संतोष जी जिला पंचायत के अध्यक्ष, बहन माया जी, रानू तिवारी जी, शरद जी, अंचल जी, बहन स्वाति जी, कैलाश, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, बब्बू जी, मंचा सिंह, सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, केवल जबलपुर में नहीं, आज प्रदेश के हर गांव और जबलपुर के अलावा हर वार्ड में बैठकर मुझे सुन रही मेरी लाडली बहनों, प्यारे भाइयों, नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी, इस जग की पालनहारणी, नारी तू नारायणी। नारी व्यक्ति नहीं है, एहसास है, एक आशा है, विश्वास है, न प्राण फूंक दे जीवन में ऐसी एक अद्भुत सांस है। माँ अन्नपूर्णा तू ही, माँ अन्नपूर्णा है तू ही, है तू ही वीणा वादिनी, हे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा, हे नारी तू नारायणी, इस जग की पालन हारणी। मेरी बहनों, ये सोच हमारे देश का है, भारत का है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरण ले त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं अपने प्रदेश की सभी बहनों को, बैठी रहेंगी बहनें, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मेरी बहनों, आज का दिन अद्भुत दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आज एक सामाजिक, सब बहने बैठी रहेंगी, मैं यही खड़े खड़े बोलूंगा, और बाद में जब पैसा डालेंगे तब खड़े होंगे सब। मैंने आपसे कहा था आज राशि डालने के पहले आपसे दिल की बात करनी है। मेरी बहनों, ये भारत है जहां कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों का सम्मान भारतीय संस्कृति में आज नहीं, हजारों वर्षों से है। और इसलिए अगर भगवान राम का नाम लेना हो तो पहले कौन का नाम लेते हैं? अरे जोर से बताओ ना, सीता, सीता राम, राधे, पहले श्याम नहीं, बाद में श्याम, पहले राधे, गौरी, गौरी पहले, बाद में शंकर, और लक्ष्मी नारायण,
पहले पहले मां का नाम, बाद में भगवान का नाम, यह भारतीय संस्कृति की हमारी विशेषता है। लेकिन बीच का कोई कार्यकाल ऐसा गया कि जिसमें बहन और बेटियों का सम्मान कम हुआ और हालत इतनी खराब हो गई मेरी बहनों कि कई जगह बेटी को बोझ मान लिया गया, बेटी को बोझ मान लिया गया, नारी का अनादर हुआ, स्त्री को दूसरे दर्जे की नागरिक मान लिया गया। और इसलिए बहनों के साथ कई बार बहुत अन्याय हुआ। मेरी बहनों, उसी अन्याय को दूर किया भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे हुए, इसलिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के मोदी जी का स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए, उन्होंने एक नया इतिहास रचा है। लेकिन मैंने ये लाडली बहना योजना क्यों बनाई, इसको मैं आपको बताना चाहता हूं। अपनी अपनी जगह बैठी रहे तो ठीक रहेगा, मैं आपके बीच ही रहने वाला हूं। क्यों बनाई मेरी बहनों? इसलिए बनाई कि मेरी गरीब बहनें जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, मेरी निम्न मध्यम वर्गीय बहनें जो अपने घर में कई बार बच्चों की जरूरत पूरी नहीं कर पाती थी, मेरी बहनों कई बार आपने देखा कि छोटा सा बच्चा आपके पास दौड़ के आया और बच्चे ने कहा, मां मुझे किताब के लिए पैसे चाहिए। अगर पैसा नहीं होते तो बताओ मन में दुख होता है कि नहीं होता? अरे होता है कि नहीं होता? बच्चा आया दौड़ के, मां आइसक्रीम खाना है, पैसा दे दो ना। और मां के पास पैसा नहीं होते तो कैसी बेबस हो जाती है, कई बार आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। कई बार आपको अपने मायके जाना है, पिताजी के यहां जाना है, भाई के घर जाना है, और मन में ये सोचा कि मायके जा रही हूं तो भाई के बेटा बेटी मुझसे कहेंगे कि भुआ क्या लेके आई, भुआ क्या लेके आई। और पतिदेव से कहा, मायके जा रही हूं मुझे पैसा तो दे दो, तो कई बार पति मना कर देते थे कि जब देखो पैसे ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास, तो बताओ तुम्हें तकलीफ होती है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, तकलीफ होती है कि नहीं? तब ये लगता है कि नहीं कि काश मेरे पास भी पैसे होते। बहनों की ये तकलीफ देखते कि छोटी छोटी जरूरत की चीजें बच्चों की पूरी नहीं कर पा रही, कई बार मजबूर हो जाती है, मन में तकलीफ होती है। तो मेरे मन में भी तकलीफ हुई कि इन बहनों के पास कम से कम हर महीना इतने पैसे तो हो कि ये छोटी छोटी जरूरतें पूरी कर सके। बोलो ठीक बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, आज बात करें, ठीक बात है कि नहीं? और दिल की उसी दर्द से पैदा हुई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मैंने सोचा कि बेटियां मुझे मामा कहती है, कहती कि नहीं कहती? अरे जोर से बताओ, कहती है कि नहीं? कहती है। तो बेटी की और बेटे की मां मेरी बहन हुई कि नहीं हुई? अब बहन के लिए भैया का कोई फर्ज है कि नहीं, बताओ? देखो बात कर रहे हैं, बोल के बताओ, कोई फर्ज है कि नहीं? और इसलिए मैंने सोचा कि सगा भाई सावन के महीने में बहन से राखी बंधवाता है, कपड़े देता है, पैसा देता है, कोई ना कोई सामान तो देता ही है, तो तू भी तो भाई है रे, और भाई भी मुख्यमंत्री, क्या तुझे कुछ नहीं देना चाहिए? और एक बार ये विचार और आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, हर महीना दे, हर महीना। और उसी में से बोलो सही बात है कि नहीं? अरे एक बार देने से काम चलता क्या? नहीं चलता। और इसलिए ये लाडली बहना योजना निकली और हमने तय कर लिया कि हर महीने हमारी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में 1,000 रुपया डाले जाएंगे, हर महीना 1,000 रुपया। बताओ योजना अच्छी है कि नहीं? अरे जोर से बताओ उधर भी और इधर भी बताओ। लेकिन केवल 1,000 नहीं, जब हम स्वीकृति पत्र बांटने हमारे अध्यक्ष जी विष्णुदत्त शर्मा जी भी गए, राकेश जी भी गए,
सारे मंत्री अलग अलग जगह हाथ जोड़े, गोपाल जी भी गए, अनेकों लोग गए, तो एक घर में भी गया बांटने, तो वहां तीन बहनें थी। मैंने कहा ये क्या पड़ोस से आ गई? बोले नहीं, पड़ोस की नहीं है, एक बड़ी बहू है, एक मंझली बहू है और एक छोटी बहू है। तो बड़ी बहू को भी 12,000, मंझली बहू को भी 12,000 और छोटी बहू को भी 12,000, तो बताओ कितने हो गए? अरे 12 दिया 36,000। और वहीं बूढ़ी अम्मा भी आ गई कि बेटा मेरी पेंशन कब 1,000 रुपया कर रहा है ये तो और बता दे। तो मेरी बूढ़ी माताओं, बहू के तो 1,000 हो गए, अब तुम्हें पेंशन मिल रही है वो भी 1,000 हो जाएगी। अरे ताली बजा तो जोर से बजा, आज आनंद का दिन है। और उसी घर में मिल गई एक लाडली लक्ष्मी। बोले मामा ये मेरी मम्मी है, ये बन गई लाडली बहना और मैं बन गई लाडली लक्ष्मी। तो लाडली लक्ष्मी को पैसा अलग मिलेंगे। अब मुझे बताओ बहनों, अगर इतना पैसा घर में आएगा तो घर की हालत सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? जोर से बताओ, सुधरेगी। और अब बेटा बेटी को निराश नहीं करोगे, उसको किताबें भी ले दोगी, उसको कपड़े भी ले दोगी, उसको आइसक्रीम भी खिला दोगी, उसकी और जरूरत भी पूरी करोगी। पहले मेरी बहनों मैंने ये योजना बनाई थी बेगा भारिया और सहरिया बहनों के लिए, क्योंकि वो सबसे गरीब थी, और ये योजना बनाई तो उनकी हालत पोषण की बच्चों की सुधर गई। तो मैंने कहा सबको ही बना दो। एक बात कहना चाहता हूं मेरी बहनों, जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसने मेरी योजना बंद कर दी थी बेगा भारिया सहरिया की, 1,000 रुपया देने की। ये कांग्रेसियों ने, कमलनाथ ने मेरी कई योजना बंद कर दी थी। बेटियों की शादी करी और पैसे ही नहीं दिए, बेटा बेटियों के लैपटॉप कांग्रेस ने बंद कर दिए थे। और केवल इतने ही नहीं, मैं जन्म के पहले अपनी बहनों को 4,000 रुपया बेटा बेटी को जन्म देने के पहले देता था, बाद में 12,000, वो 16,000 भी बंद कर दिए कांग्रेस ने, लेकिन मैंने फिर चालू कर दिए। लेकिन मेरी बहनों सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना, सब सुन रही हो कि नहीं? जोर से बताओ, सुन रही हो कि नहीं? तो गांव में बैठी बहनें भी ध्यान से सुनो, ये योजना शुरू तो 1,000 रुपया से हुई है, लेकिन केवल 1,000 नहीं दूंगा, अभी तो शुरू किया है मैंने, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे भाई के मन में और बात है। तो सुनो मेरी बहनों, सबको सुनाई दे रहा कि नहीं? तो जोर से ताली बजाओ। मैं जो कह रहा हूं वो सब बहने पूरे मध्य प्रदेश की, जरा ध्यान से सुनो, तुम्हारे भाई ने 1,000 रुपया से शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे 1,000 रुपया से इसको बढ़ाता जाऊंगा, पैसे का इंतजाम करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। समझ रही हो कि नहीं? अरे जोर से बोलो, समझ रही हो? तो 1,000, उसके बाद जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ तो 1,250 रुपया कर दूंगा। जोर से बजाओ ना ताली। और फिर और आगे, जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ बढ़ा के कर दूंगा 1,500 रुपया महीना। जोर से ताली बजाओ। और पूरे प्रदेश की बहनों मेरी बात सुनते जाओ, भैया काम की बात बोल रहा है, 1,500 तक भी नहीं रोकूंगा, और आने वाले समय, जैसे जैसे आने वाले साल में पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो 1,750 रुपया करूंगा।